सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आप लोग देख रहे हैं एसएम टूर ब्लॉग्स। तो आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए एक नई बलेनो, जो आप देख सकते हो। और इस बलेनो के बारे में मैं आपको काफ़ी सारे फीचर्स बताऊंगा। फीचर्स तो नहीं, आज मैं इसको डेल्टा, सिग्मा और जेटा से कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इस मॉडल में क्या फ़ीचर्स आते हैं, डेल्टा में क्या फ़ीचर्स आते हैं और सिग्मा में क्या फ़ीचर्स आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये न्यू बलेनो है, 2019 मॉडल है ये, अप्रैल का। और ये जेटा मॉडल है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्रोम की गार्निश आती है। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्रोम की गार्निश है। और इसमें एक आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाते हैं। आपको डेल्टा में भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, बट सिग्मा में नहीं मिलते हैं। इसमें आपको फॉग लैम्प भी मिल जाते हैं, ये आप देख रहे हो, फॉग लैम्प भी इसमें मिल जाते हैं आपको। और ये नेक्सा ब्लू कलर है, और ये करीबन मेरे को 7,94,000 रुपये का पड़ा था विद एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। साथ में इसमें स्मार्ट की आती है, जिससे आप गाड़ी को अनलॉक और लॉक कर सकते हो। साथ में आते हैं और इसके साथ अलॉय व्हील भी, गाड़ी के साथ ही जेटा मॉडल में आपको अलॉय व्हील भी मिलते हैं। और आपको ये देख रहे होंगे आप, इसमें एक क्रोम की गार्निश आ जाती है डोर पे, और ये डोर हैंडल भी इसका क्रोम गार्निश का आ जाता है। साथ में इसमें आपको एक बटन मिल जाता है, जिससे गाड़ी लॉक और अनलॉक दोनों ही हो जाती है। चारों डोर पे आपको क्रोम गार्निश मिलेंगी, और चारों टायर अलॉय व्हील में मिलेंगे, 16 इंच में मिलते हैं ये टायर। पीछे भी आपको एक क्रोम की गार्निश मिल जाती है, साथ में एक रियर वाइपर मिल जाता है। और ये एक्चुअल में ये वाली जो क्रोम गार्निश आप देख रहे हैं नीचे डिक्की वाली, ये अलग से लगवाई हुई है, जो साथ में गाड़ी के नहीं आती है। और आप साइड में भी देख सकते हो गाड़ी को, चारों डोर पे आपको क्रोम की गार्निश मिल जाती है, और ये डोर हैंडल मिल जाते हैं, और इंडिकेटर्स मिल जाते हैं आपके मिरर पे, डोर मिरर पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। इस वाली लाइट पर आपको ओनली नॉर्मल DRL मिलते हैं, नॉर्मल DRL मिलते हैं, जो कि डे में नज़र नहीं आते हैं, जलते हैं तो ये इवनिंग में नज़र आते हैं। और साथ में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं। जेटा मॉडल में आपको ये टच स्क्रीन मिल जाता है, आप ये देख रहे होंगे टच स्क्रीन है, और बीच में ये MID स्क्रीन मिल जाती है, ये देखिए ये MID स्क्रीन मिल जाती है बीच में। और ये मीटर हो गया, मीटर कंसोल हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाता है। टच स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि सारे आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। म्यूज़िक सिस्टम हो गया, आप यहाँ से म्यूज़िक बजा सकते हो, ठीक है। ये USB हो गया, आपका FM हो गया, AM हो गया, DRM हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप कॉल भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपका मोबाइल कनेक्ट है ब्लूटूथ के ज़रिए, तो आप किसी को भी कॉल कर सकते हो ये। और यहाँ पे ये आपको वॉच मिल जाती है, ये वॉच हो गई, जिसमें अभी मेरा टाइम सेट नहीं है। आपको जेटा में MID स्क्रीन मिल जाती है, बट डेल्टा और सिग्मा में नहीं मिलता है। और सिग्मा इसका बेस मॉडल है, और डेल्टा से ऊपर वाला आता है, फिर जेटा आता है, फिर अल्फा आता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंजन स्टार्ट स्टॉप का भी बटन मिल जाता है यहाँ पे, गाड़ी से आप स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। और अंदर के जो डोर वाइज़र पे जो डोर हैंडल का ये है,
ये सारे आपको क्रोम मिल जाएंगे। और चारों पावर बटन मिलते हैं, डोर के पावर विंडो मिलते हैं, और इससे आप गाड़ी को एडजस्ट मिरर, डोर मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए आप देख रहे होंगे कि डोर मिरर एडजस्ट हो रहे हैं। इस बटन को दबाते ही डोर फोल्डेबल हो जाते हैं, ऑटो फोल्ड ऑटोमेटिक हो जाते हैं और ये ओपन हो जाते हैं। और ये आपको यहाँ पे इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, ये आप देख रहे होंगे, ये आर्मरेस्ट मिल जाता है इसमें। स्टोरेज काफ़ी नहीं है, स्टोरेज थोड़ी बहुत ही स्टोरेज है इसके अंदर, आप देख सकते हो थोड़ी बहुत स्टोरेज है, लेकिन काफ़ी आर्म को काफ़ी रेस्ट मिलता है इससे। और ये अपना क्रोम मिल, इसमें क्रोम आ जाता है आपका इसमें हैंड ब्रेक में। और ये गियर लीवर हो गया, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है, तो आप यहाँ पे दो वाटर के ग्लास भी रख सकते हो, और यहाँ पे अपने कॉइंस या स्मार्ट मोबाइल जो भी है आप रख सकते हो। 12 वॉट का इसमें आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और यहाँ पे USB और पेन ड्राइव लगाने के लिए ऑक्स केबल और ये पेन ड्राइव लगाने के लिए आपको इसमें मिल जाता है। टच स्क्रीन में आप देख सकते हो ये पावर का बटन है, यहाँ से अगर आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो ये पावर ऑफ़ हो जाता है, फिर वॉच आ जाती है, और पर्टिकुलर अगर आप दबा के रखते हैं तो ये पर्टिकुलर ऑफ हो जाता है, और फिर इसको हम ऑन कर लेते हैं। इससे आप वॉल्यूम अपना बढ़ा सकते हो, वॉल्यूम कम कर सकते हो। ये म्यूट का बटन हो गया, और यहाँ से कॉल कर सकते हैं आप। और इसकी और सेटिंग्स देख लेते हैं, यहाँ से अपना आप डिवाइस को पेयर कर सकते हैं, और ये और डिवाइस अगर आपको ऐड करनी है, इसमें एक आहा का सॉफ्टवेयर आता है जिसको आप अपडेट करके अपने मोबाइल से आहा में म्यूज़िक वगैरह आप सुन सकते हैं। और इधर हम सेटिंग में चले जाते हैं, तो सेटिंग में हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे इसमें डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले वगैरह मिल जाती हैं, डेट एंड टाइम मिल जाता है, टाइम जोन, डे टाइम, 24 आवर्स, आपको 12 घंटे का लगाना है या 24 आवर्स का लगाना है। और आप ये जो मिरर देख रहे हैं, जो बैक मिरर ये जो देख रहे हैं, ये भी ऑटो डिम मिलता है, मतलब आप इससे नाइट में अगर आप गाड़ी चला रहे हो ये ऑटो होता है, और उसकी पीछे वाली जो गाड़ी की लाइट है वो आपको आंखों पे चमक नहीं आएगी, ये ऑन रहता है, तो ऑटोमेटिक है, दिन में नॉर्मल काम करता है और रात को आपको चमक नहीं लगती। ये आपको इसमें 2 लाइटें मिल जाती हैं, और यहाँ पर आपको ये माइक सिस्टम मिल जाता है, अगर आप गाड़ी में वाया ब्लूटूथ के ज़रिए अगर आपका फ़ोन कनेक्ट है और आप किसी से बात करते हैं तो आपकी ये वॉइस इधर से जाती है। इधर कोई हमें मिरर नहीं मिलता, इधर एक सिंपल एक टिकट होल्डर मिलता है, यहाँ पे कुछ भी अपना एनवलप वगैरह कुछ भी आप टिकट वगैरह रख सकते हैं। और ये साइड वाले में हमारे को एक वैनिटी मिरर मिलता है, इस साइड वाले में हमें एक वैनिटी मिरर मिलता है, कोई पैसेंजर अगर यहाँ बैठा है तो अपने वो बाल वगैरह यहाँ से देख सकता है। और इसको अगर हम ऐसे साइड में कर देते हैं तो आप साइड से जब कहीं भी हमारे को सूरज की धूप आती है तो उससे हम थोड़ा सा धूप नहीं लगती है। तो चलिए ज़रा पीछे वाली सीट में देखते हैं लेग स्पेस वगैरह कितना है, तो इसमें स्पेस काफ़ी मिल जाता है, आप ये देख रहे होंगे मेरी फ़ाइट करीबन 5 फुट 4 इंच है, और मेरे काफ़ी स्पेस है, और मैं यूं करके भी आराम से बैठ सकता हूँ। करीबन 6 फुट का आदमी भी, 6.5 फुट का भी आदमी इसमें आराम से ईजिली बैठ सकता है। पीछे भी आपको एक आर्मरेस्ट के पास ही एक मोबाइल वगैरह रखने की जगह मिल जाती है, और साथ में एक 12 वॉट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, आप यहाँ से मोबाइल वगैरह अपना चार्ज कर सकते हो। और पीछे भी आपको ये डोर पे सारे क्रोम मिलते हैं, एक सेंटर पे भी आपको लाइट मिल जाती है जिससे रात के टाइम काफ़ी उजाला हो जाता है गाड़ी के अंदर। और आपको डोर के ऊपर ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं जिससे आप इजीली पकड़ सकते हो। और इसमें खास बात ये भी है कि आप ये देख रहे होंगे कि जो हमारा ये बेल्ट का है ये अप डाउन हो जाता है, अगर आप इसको पुल करोगे, इसको पुल करते हैं तो इसको हम अपने हाइट के अकॉर्डिंग बेल्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। बलेनो में आपको डेल्टा मॉडल से ही आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, आप ये देख रहे होंगे, ये आपको वॉल्यूम का बटन है, ये म्यूट करने का बटन है, यहाँ से अपना सॉन्ग्स वगैरह को म्यूट कर सकते हैं, मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं, USB 2 FM वगैरह आपको लगाना है तो यहाँ से सॉन्ग्स को अपना चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना लाइट है,
लाइट का आप देख सकते हैं, यहाँ से लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ये इंडिकेटर लेफ्ट एंड राइट हो जाता है, और यहाँ से आप पीछे का रियर वाइपर, इसको अगर हम घुमाते हैं तो पीछे का रियर वाइपर चलने लगता है, और पुल करते ही फ्रंट का वाइपर और वॉशर चलने लगता है। साथ में आपको बलेनो में दो ट्यूटर भी मिल जाते हैं, एक ट्यूटर यहाँ पे होगा और एक ट्यूटर ड्राइवर साइड पे, आपको दो ट्यूटर मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड आपको जो मिरर है ये ऑटो अप मिल जाता है, मतलब अगर एक बार अपना मिरर को एक बार बटन दबाते हैं तो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है, बट ऑटो डाउन का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। और साथ में स्टेयरिंग में माउंटेड में कंट्रोल के साथ ही आपको कॉल का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप इसे कॉल काट सकते हो, इसे कॉल कर सकते हो, और इसको अगर आप प्रेस करके रखते हो तो आप स्पीक बोलोगे कि भाई कॉलिंग टू राकेश या कॉलिंग टू शिवम, तो आप कॉल कर सकते हो। साथ ही कुछ आपको ये डोर पे स्टोरेज मिल जाती है, यहाँ पे आप अपनी एक लीटर की बोतल रख सकते हो, बोतल रख सकते हो, और यहाँ पे मैगजीन वगैरह कुछ भी आप रख सकते हो। कुछ स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल जाती है, अपना वॉलेट वगैरह कुछ यहाँ पे आप रख सकते हो। और ये लाइट्स का ऑप्शन है, अपने डिपर को हाई बीम लो बीम आप यहाँ से कर सकते हो। डैशबोर्ड की क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब मेरे को काफ़ी ठीक लगी, और काफ़ी ये जो गार्निश आप देख रहे हो उसका भी काफ़ी डिज़ाइन अच्छा है। साथ में आपको यहाँ पे इसमें स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, स्टोरेज स्पेस सफिशिएंट है, इसमें आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, जैसे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इजीली रख सकते हो। पीछे के डोर पे भी आपको एक लीटर की बोतल आराम से आप रख सकते हो, और तीन लोग पीछे आराम से बैठ सकते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं कि तीन लोग नहीं बैठ सकते, तीन लोग ईजीली इसमें आ जाएंगे। और चलिए पीछे बूट स्पेस चेक करते हैं, यहाँ पे एक बटन है जिसको हम प्रेस करते हैं तो हमारी डिक्की खुल जाती है। तो यहाँ पे 349 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है, अगर एक चार से पांच मेंबर की फैमिली है तो काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। एक पीछे अपना स्टेपनी मिलती है जो कि करीबन 15 इंच की रहती है, अगर आप जेटा से नीचे वाला मॉडल लेते हो, डेल्टा या सिग्मा, उसमें आपको सेम पांचों टायर आपको 15 इंच में मिलते हैं। तो इसमें एक जेटा में आपको चारों टायर 16 इंच के मिलते हैं, और विद अलॉय व्हील्स मिलते हैं, आप देख सकते हो विद अलॉय व्हील्स मिलते हैं चारों टायर, बट स्पेयर टायर जो है, स्पेयर जो व्हील है वो आपको नहीं मिलता है विद अलॉय व्हील्स। साथ में गाड़ी के साथ आपको एक ये एंटीना भी मिलता है जो कि एफएम का काम करता है, और पीछे भी एक ये स्टॉप लाइट्स मिलती है जो ब्रेक दबाने पे आपकी स्टॉप लाइट वर्क करती हैं। और यहाँ पे आपको बलेनो की बैजिंग मिल जाएगी, ब्रांड बैजिंग, और यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है, ये रियर वाइपर हो गया, नेक्सा की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है, और पीछे आपको 1, 2, 3, 4 सेंसर मिल जाते हैं गाड़ी में आपको, जिससे कि बैक करने में इजी रहता है, जब आपके कोई पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसमें ये सेंसर और काम करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि आपकी गाड़ी टकराने वाली है तो प्लीज़ ब्रेक लगाइए। तो इसमें गाड़ी में आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, चारों स्पीकर्स आपको डोर पर मिलते हैं, आप ये देख रहे हैं चारों स्पीकर्स आपको डोर पर मिलते हैं। तो यार गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार, भूल मत जाना सब्सक्राइब करना, बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनती है, तो अगर आप लोग ऐसी प्यार दिखाते रहेंगे चैनल पे तो मैं बहुत सारी वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपके काफ़ी काम की होगी। तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और ज़रूर शेयर कर देना यार। तो कैसी लगी मेरी ये बलेनो गाड़ी आपको, और आगे भी मैं इसके बलेनो के काफ़ी सारे आपको फ़ीचर्स दिखाऊंगा कि बलेनो के अंदर क्या क्या आपको फ़ीचर्स मिलते हैं, और बलेनो लेना वर्थ है कि नहीं वर्थ है। तो यार प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर करना है। ओके, बाय बाय।